फ्रेंड्स देखिए मेरे जो स्ट्रॉबेरी का प्लांट है उसमें कितने अच्छे से स्ट्रॉबेरी लगे हैं। कुछ दिन पहले मैं इसका वीडियो डाली थी, तब प्लांट में इतने सारे फ्रूट्स नहीं थे, अभी ज़्यादा हुए हैं और कुछ फ्रूट्स को पक्षियों ने खा लिए हैं, फिर भी इतने सारे बचे हैं अभी। और इसके बाद मैं प्लास्टिक से ढक दूँगी, कैरी बैग लेके आप लोग इसको ढक सकते हैं ताकि इसके जो फ्रूट है पक्षियाँ ना खाए। दिखिए दिख पा रहे होंगे पक्षी खा लिया है। तो देखिए इतने अच्छे से फ्रूट जो हुए हैं, तो इसमें आप कैसे केयर करेंगे प्लांट का वही मैं बताऊंगी। स्ट्रॉबेरी देखिए इधर भी हुआ है। प्लांट्स में जब फूल आ जाए तो फूल का ऊपर से पानी ना डाले, साइड से डाले वरना फूल ख़राब हो जाएगी। और इसके पत्ते देखिए कितने ग्रीन हैं और बहुत ही अच्छे से हुआ है ये प्लांट। कुछ पत्ते मैं तोड़ दे रही हूँ, ऐसे तो तोड़नी नहीं चाहिए क्योंकि पत्ते से ही खाना बनता है, इसलिए पत्ता तोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा घना है इसलिए कुछ पत्ते तोड़ रही हूँ। 4 से 5 प्लांट एक ही में है तो बहुत घना हो गया है और ये इसमें अंदर धूप नहीं जा रही थी, इसीलिए मैं बीच के पत्ते तोड़ दे रही हूँ। आप लोग ऐसा ना करें, एक पॉट में, एक ग्रो बैग या पॉट में एक ही प्लांट लगाए, तब इसमें अच्छे से फ्रूट होंगे और ज़्यादा घना भी नहीं होगा। तो देखिए मैं ज़्यादा प्लांट था इसलिए थोड़े थोड़े पत्ते तोड़ के इसको ज़्यादा थोड़ी जगह बना दे रही हूँ ताकि इसका अंदर भी धूप जाए। तो आप लोग अगर स्ट्रॉबेरी प्लांट लगाएंगे तो ऐसे बर्तन ले, पॉट ले जिसमें स्ट्रॉबेरी नीचे लटक जाए, या तो आप गमले में लगाएंगे तो उसको मल्चिंग करनी पड़ेगी। और मैं ऐसे ग्रो बैग में ली हूँ तो इसके जो फ्रूट है नीचे लटक रहे हैं, तो इसमें मल्चिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग थोड़े चौड़े बर्तन मिट्टी के या प्लास्टिक के गमले में लेते हैं तो उसमें मल्चिंग करनी पड़ेगी। मल्चिंग होती है ये जब फ्रूट बनने लगे फूल से, तो उसमें नीचे फ्रूट के नीचे कुछ सूखे पत्ते रख देने चाहिए, या तो खर होती है धान चावल का जो खर, वो खर रख सकते हैं आप लोग, जिससे इसके फ्रूट को पानी नहीं लगेंगे तो सड़ेगी नहीं, नहीं तो मिट्टी में डायरेक्ट फल टच होगी तो फल में सड़न लग जाएगी। तो आप लोग कोशिश करें ऐसे ही पॉट लेने का, या तो मल्चिंग कर दे। देखिए ये भी प्लांट है, ये सब में 2-2 प्लांट है और पहले मैं जो दिखाई हूँ उसमें 4 से 5 प्लांट है, इसीलिए मैं उसके थोड़े पत्ते तोड़ दी हूँ। देखिए कितने अच्छे से हुए हैं। तो इसका खाद मैं बता दूँगी आप लोगों को, जो नीचे वाला सूखे पत्ते हैं उसको तोड़ के हटा दे, क्योंकि ये तो नीचे सूख गए इससे अब खाना नहीं बनेंगे, ऊपर वाला पत्ता चाहिए जो ग्रीन है उसी से खाना बनते हैं। जब बरसात का महीना ख़त्म हो जाए तो आप इसको पूरे धूप में रखें प्लांट को, तभी प्लांट अच्छे से ग्रो करेगी। जब मैं ये प्लांट को लगाई थी, पहले से मेरा प्लांट लगाया हुआ था, तो मैं इसमें जब मिट्टी डाली थी मिला के, बोन मील, हॉर्न मील, नीम खली, थोड़ी सी सरसों की खली और वर्मी कंपोस्ट मिला के इसमें डाल दी थी मैं। गोबर खाद नहीं डाली थी। गोबर खाद वर्मी कंपोस्ट दोनों में से एक ले सकते हैं, लेकिन गोबर खाद जो है उसको 1 साल 1.5 साल पुराना लेनी चाहिए। और देखिए ये सब है प्याज के छिलके, प्याज लहसुन के छिलके भी आप डाल सकते हैं। तो मेरा पॉट तो छोटा है, देखिए जो बोन मिल हर्न मिल है अभी भी इसमें दिख रहे हैं, मैं उसी में पॉटिंग की थी इसको, तो इसीलिए ये प्लांट इतने अच्छे से हो रहे हैं। और महीना में एक बार मैं इसमें खाद डालती हूँ ऊपर से, थोड़ी थोड़ी मिट्टी का गुड़ाई करके। जब मैं बरसात के बाद से इसको केयर कर रही हूँ तब से मैं महीना में एक बार डालती हूँ खाद, और लिक्विड खाद डालती हूँ, जो प्याज के छिलका है उसको भिगो देती हूँ 2 दिन, उसके बाद जो उसमें से पानी निकलते हैं, जैसे एक मुट्ठी प्याज का छिलका लेंगे आप उसको भिगा देंगे 1 लीटर पानी में, और वो 2 दिन बाद में जो पानी का रंग बदल जाएगी तो उसमें आप और थोड़े पानी मिला ले, मिला के प्लांट में आप सीधे डाल सकते हैं, तब फ्रूट आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। देखिए ये भी पंछी खा गए हैं। महीना में एक बार जब आप प्याज के छिलके का पानी डाल देंगे, उसके बाद जब पूरी ठंडी आने लगेगी तो आप इसमें 15 दिन बाद बाद सरसों की खली जो होती है उसके पानी डालें। सरसों की खली 50 ग्राम लेके आप उसमें 2 लीटर पानी में भिगो दें सरसों की खली को, और 3 से 4 दिन उसी में रहने दें। रहने देने के बाद जब वो सड़ के पूरे तरह से मिल जाएगी, उसमें आप और 3 से 4 लीटर पानी मिलाए, मिला के उसको बिल्कुल ही पतली करके 15 दिन बाद बाद इसमें डालें साइड से, तब इसके जो फल है बहुत अच्छे होंगे और बड़े बड़े होंगे। ये देखिए जो मैं इसके रनर्स थे उसको निकाल के इसमें से लगाई थी,
तो ये सब में भी थोड़े थोड़े फूल आए हैं और छोटे वाले में अभी आए नहीं, इसमें भी आ जाएंगे क्योंकि ये मैं बाद में लगाई थी बरसात के ख़त्म होने का बाद बाद, इसीलिए प्लांट थोड़े छोटे हैं और इसमें भी फूल आ जाएंगे। तो महीना में आप जो एक बार खाद डालेंगे वो होगी बोन मील, हॉर्न मील, नीम खली, थोड़ी सी मात्रा में सरसों की खली और थोड़ी सी दो मुट्ठी जैसी, एक पॉट के लिए 8 इंच के लिए मैं बता रही हूँ, दो मुट्ठी जैसी वर्मी कंपोस्ट मिला के आप साइड से मिट्टी गुड़ाई करके डाल दें और एक बार आप प्याज का छिलके डाल दें। उसके बाद 15 दिन बाद बाद आप सरसों की खली का पानी डालें, जो बिल्कुल ही पतली होनी चाहिए, गाढ़ी होने से प्लांट मर जाएगी, तभी ये स्ट्रॉबेरी प्लांट अच्छे से होंगे और इसके फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा होंगे और बड़े होंगे। तो आप लोग ठंडी के बाद जब ये प्लांट का फ्रूट ख़त्म हो जाएगी, बरसात फिर आने लगेगी, तो इसमें से जो रनर्स निकलेंगे उसमें से आप फिर रनर से ज़्यादा प्लांट बनाइए और ऐसे गार्डनिंग कीजिए। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल।